फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल विद आयनाइजेशन एनर्जी 2372, 520 and 900 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि सबसे पहले ये 2372 वाली, फिर 520 वाली और फिर 900 वाली। एक ऑप्शन है हीलियम लिथियम बेरिलियम, फिर एक ऑप्शन है बेरिलियम लिथियम हीलियम, फिर लिथियम बेरिलियम हीलियम, फिर लिथियम हीलियम बेरिलियम। अच्छा देखो, इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 2372 इतनी हाई वैल्यू है और बाकी सब कम है, हमेशा किसी नोबल गैस की होती है। तो इसका मतलब है आंसर वो होगा जिसमें सबसे पहले नोबल गैस का ऑप्शन हो। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ए वाला ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा हमारा आंसर, बाकी किसी में नोबल गैस नहीं है। हीलियम हर ऑप्शन में बाद में दिया हुआ है, तो हीलियम ही की सबसे ज़्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, बल्कि फसाई भी जब मेंशन नहीं है तो ऑफकोर्स फसाई भी की बात है। अच्छा वैसे अगर देखो, एक ही ऑप्शन था जिसमें लिथियम पहले था, फिर हीलियम पहले था, फिर लिथियम बेरिलियम। अब ये जो है ना 520 वैसे लिथियम की होती, क्यों? क्योंकि याद रहे कि ये जो लिथियम है हमारा 1A में होता है और 1A की फर्स्ट आईपी बहुत लो होती है। 2A की जो फर्स्ट आईपी है फिर भी ग्रुप 1A वाले से ज़्यादा होती है। तो लिथियम और बेरिलियम में से कैसे पता चलेगा? ऑफकोर्स लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 900 है। वैसे तो इस सवाल में एक ही ऑप्शन था जिसमें सबसे पहले नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, यानी देखो तरतीब से हम देखेंगे ना रिस्पेक्टिवली, तो ये हीलियम आंसर।